फ्रेंड्स, आज हम भटूरे बनाएंगे। भटूरे का डो तैयार करती हूँ मैं अभी। देखो, सबसे पहले ये कप से हमने मैदा मेजर किया है, तीन चार पांच छे, पूरी फैमिली के लिए बनाना है। और एक कप सूजी ले लेते हैं हम। आज मैं गुजिया भी बनाऊंगी सूजी से। और ये एक कप सूजी, इसके अंदर हम ये एक टेबलस्पून है बेकिंग सोडा लिया है, एक टेबलस्पून, दो टेबलस्पून, आप खांड, बूरा, चीनी कुछ भी ले सकते हैं। और एक टीस्पून ये लिया है नमक। और इसमें हम दही ऐड करेंगे, ये मतलब इसमें अच्छे से थोड़ा सा गूंथा जाना चाहिए। देखो कैसे, स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा टाइट रखना है डव को। इसको हम 4 से 5 घंटे तक रखेंगे। इसको अच्छे से नीड करना है हमें। इसका स्टार्टिंग में जो डव है वो थोड़ा सा टाइट रखना है। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से आप अपने मेजरमेंट कर सकते हो। पूरी फैमिली के लिए बनाने के लिए हम अभी मैंने इसमें कोई तेल या घी कुछ नहीं डाला है, ना ही रिफाइंड डाला है, क्योंकि वो चीज हम बाद में डालेंगे इसमें। अभी सिर्फ दही डाली है। आप लस्सी से भी कर सकते हो अगर दही नहीं है, लस्सी से भी डो तैयार कर सकते हो। इसका डो तैयार करें लस्सी से भी अच्छा बनेगा। ये बस फूलना चाहिए बाद में। इसको अच्छे से नीड करना है, जितना हो उसके उतना नीड करना। इसको अच्छे से नीड करते जाना है। जितना नीड करेंगे ये ऐसा होना चाहिए। अब इसके अंदर हम टीस्पून डालेंगे रिफाइंड। इसको अब अच्छे से नीड करना है बिल्कुल।
कटा हुआ है, ये ऐसा बनना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ नहीं बनना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए ये डव। या बाउल में रख सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, रिफाइन लगाना है, इसको रेस्ट के लिए रख देंगे हम। आप या तो रात को भी भिगो सकते हैं इसको, रात को 7 से 8 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा इसको, तब ये बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। अभी हमने सुबह इसका डव तैयार किया है, तो अब हम इसको 4 से 5 घंटे तक रेस्ट पे रख देंगे। हमारा डो है ना, ये तैयार हो चुका है, इसे हमने 2-3 भटूरे भी तैयार भी कर लिए हैं। अब ये भटूरा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, इसको एकदम से फूल कर देना है, इसकी जो तो फुलाने के लिए, और इसको ऐसे ऐसे चलाते रहना है। देखो देखो ये कैसे फूल गया, ये बिल्कुल ऐसे फूलेगा। आपके भटूरे भी, आप आटे इसको मैदे को 5-6 घंटे रेस्ट पे भी रख सकते हो, शाम को भिगो सकते हो इसको, शाम को भिगो के कैसरोल वगैरह में डाल के रख दो, या किसी बाउल वगैरह में ढक के रख दो उसको, वो बिल्कुल और भी फ्लफी हो जाएगा। हमने सुबह ही गूंदा था ये आटा मैदा, और अभी हमने इसके भटूरे तैयार कर लिए। देखो ये हमारे भटूरे देखो तैयार हो चुके हैं, देखो कितने सुंदर भटूरे बने हुए हैं।